भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नीमच पहुंचे और नीमच में जहां टाउन हॉल में उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया, वहीं पत्रकारों से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के मान और सम्मान का अगर कोई ख्याल रखती है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी नीमच आए और नीमच में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। टाउन हॉल में हुए भाजपा किसान मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि किसानों को आगे बढ़ाने और किसानों को सम्मान करने का कार्य भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार ने किसान निधि देकर किसानों के मान और सम्मान को बढ़ाया है। 10,494 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया है। जहाँ प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रखी है, वहीं केंद्र की सरकार भी किसानों के हित में अनेक कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार चलने वाला है। आज किसान मोर्चा की दृष्टि से यहां प्रवास हुआ और जिले के और मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ और निश्चित ही आगामी समय में किसान मोर्चा की योजनाओं को उनसे चर्चा हुई है और साथ में हमारी जो केंद्र और राज्य की सरकार है, किसान हितैषी और आज किसान की फसल को न केवल लाभकारी मूल्य दिलाने का काम कर रही हैं, बल्कि जो मूल जड़ है जिसमें उनका उत्पादन बढ़वाना, लागत कम करना, उसकी यदि कोई संकट आ जाए तो उससे राहत दिलाना और उसके मूल्य की व्यवस्था करना, इन सब को लेकर हमारी सरकार इसी थीम पर काम कर रही है और उसमें सफल भी हो रही। आम किसान का भी मध्य प्रदेश की और देश की सरकार पर भरोसा है। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को किसान पूरी तरह सहयोग करेंगे। संगठनात्मक विषय थे उनको लेकर और मध्य प्रदेश में और देश में जो किसान हितैषी योजना चल रही उनको लेकर यह बैठक आयोजित की। संकल्प दिला गया, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। विचारधारा के लिए हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में तथाकथित चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे अन्य ताकतें भ्रम फैलाकर मध्य प्रदेश को मैं एक कुदृष्टि डाले हुए हैं, हम उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को इतने लाभ दिए हैं, उनका प्रचार प्रसार हम किसान मोर्चा के माध्यम से गांव-गांव जाकर करेंगे। इसके लिए हमने नीचे कार्य समिति का विस्तार भी हम उसमें कर रहे हैं। सम्मेलन के बाद श्री चौधरी पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि प्रदेश में किसानों के मान सम्मान की लड़ाई भाजपा ने लड़ी है, कांग्रेस ने तो सिर्फ किसानों के साथ छलावा किया है। नीमच जिले में NDPS प्रकरणों के मामले में उन्होंने कहा कि किसानों को झूठे मामलों में नहीं फंसाया जाएगा, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। टाउन हॉल में आयोजित किसान सम्मेलन को नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, मनासा विधायक माधव मारू और भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवल किशोर गोस्वामी ने दिया।